हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे पास एक जियो का फ़ोन आया है, लाइव जियो। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है जियो फ़ोन का F320B ब्लैक। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो लोगो तो आ जाता है, लेकिन हमारा मोबाइल पूर्णतः ऑन नहीं हो पाता। देखिए हम चालू करके बताते हैं हमारे इस जियो फ़ोन को। जैसे हम बैटरी लगाएंगे जियो फोन में, और ऑन करेंगे इसे, देखिए हमारा मोबाइल जियो फोन ऑन हो चुका है। अभी बूटिंग अप लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें बूटिंग अप हो रहा है हमारा जियो फोन। देखिए इसमें क्या फीचर्स हैं और किस टाइप से ये वर्क कर रहा है। देखिए जियो फोन इज स्टार्टिंग लिखा तो आ चुका है, स्टार्ट हो रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा समय ले गए मोबाइल, देखिए जियो लोगो आ चुका है। जियो लोगो आने के बाद में ये जियो फोन बाकी सब लिखा तो आ चुका है, लेकिन देखिए इसके बाद ये ऑन नहीं हो रहा है। जियो फोन हमारा पूर्णतः ऑन नहीं हो रहा है, लोगों में आके अटक चुका है ये जियो फोन। हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे रिपेयर करें, पहले हम इसे रीसेट करके देखेंगे कि हमारा जियो फोन रीसेट हो रहा है या नहीं। जब तक रीसेट नहीं होगा हमारा जियो फोन, तब तक हमें क्लियर होगा ही नहीं कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है या नहीं। थोड़ा समय देते हैं इसको कि फ़ोन चालू हो जाए, लेकिन चालू ही नहीं हो पा रहा है। तो हम इसकी बैटरी दोबारा से निकालेंगे, देखिए बैटरी है, ये बैटरी फ्रेश कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन हो रही है। 1500 mAh जेट की है, 3.7 वोल्ट, ठीक वर्क कर रही है बैटरी। तो अब इसे हम हार्ड रिसेट करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमें सबसे पहले पावर की और स्टार की दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा। देखते हैं, पहले हम इसकी सिम निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे कांटेक्ट नंबर मिस ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए, इसलिए हम इसे सिम को रिमूव कर देंगे परेशानी से बचने के लिए। देखिए हमने सिम निकाल दिया है, सिम निकल चुकी है हमारी। अब इसे हम ऑन करेंगे इस जियो फोन को, तो सबसे पहले पावर की और इसके बाद में ये स्टार की, पावर की और स्टार की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। देखिए हमने प्रेस कर दिया है, जैसे ही लोगो आएगा तो हम पावर की को से हाथ को उठा देना है और स्टार की को प्रेस करके रखना है। तो देखते हैं हम, स्क्रीन में तो अभी वर्तमान में कुछ नहीं आ रहा है, जब तक देख लेते हैं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है, कुछ टाइम ले सकता है। लोगो ही नहीं आया दोस्तों, इसे हम दोबारा बैटरी निकाल के देख लेते हैं क्यों वर्क नहीं कर रहा है हमारा मोबाइल। जियो का हार्ड रिसेट होना ज़रूरी है, तभी हमारा मोबाइल ऑन होगा, तो ऑन नहीं होगा। देखिए वेलकम तो लिखा आ चुका है, ये वेलकम आके चला गया, लेकिन हमें
रिसेट करके देखना है ताकि हमारा मोबाइल दोबारा पुनः चालू हो जाए। देखते हैं प्रयास करके, ऑन होना तो चाहिए लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पावर की स्टार्ट किया और ये स्टार की प्रेस किया। देखिए हम स्टार की को प्रेस करके रखेंगे, देखिए अब हमें स्टार की छोड़ देना है और ये जो हमारे मोबाइल की बीच की बटन ओके जो बटन है उसे प्रेस करके देखेंगे, ऊपर नीचे वाली करके देखेंगे प्रेस। देखिए ये रिबूट आ चुका है तो हमें ये जो वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट है इसमें जाना होगा। जाते हैं वाइप डाटा में, हमारी की प्रेस नहीं कर रही सही तरीके से। यहाँ पे जाके हमें ओके करना, ओके प्रेस करने के बाद ही सही वर्क नहीं कर रहा। देखते हैं इसमें क्या इश्यू है। देखिए मैं इसकी सेटिंग में लेके आए, यस या नो कह रहा है तो हमें इसे यस करना है। तो प्रेस किए हमने लेकिन हमारी की वर्क नहीं कर रही है कि क्यों, इतना हमारा मोबाइल हैंग होने का कारण क्या है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे कि इसकी वजह क्या है और इतना लेट वर्क क्यों कर रहा है मोबाइल। तो देखिए थोड़ा लेट भी वर्क कर सकता है, टाइम लेता है कुछ वायरस को हटाने के लिए। देखते हैं इसमें जंग आ जाता है, वायरस आ जाते हैं, उसे हटाने के लिए सही वर्क कर रहा है नहीं। देखिए